गुड मॉर्निंग बच्चों, ये मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जो शायद YouTube पे पहली बार एक वर्ड को डिफाइन करने के लिए आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं जानते हैं कि एक वर्ड क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, टेंस, मॉडल्स इस सीरीज में मैं आपको देता जाऊँ, ताकि आपको जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, अर्थात जो इंग्लिश का बेसिक्स है, वो आपका क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर हमारा बेसिक्स कैसे क्लियर होगा, तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं शब्द से यानी वर्ड से शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको फ्रेज दे दूंगा, फिर क्लॉज दे दूंगा, फिर सेंटेंस दे दूंगा। टेंस की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दे रखी है, तो वहां से आप सीरीज आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक शब्द क्या होता है, किस तरीके से एक शब्द को हम समझ सकते हैं। इसमें आपको ये दिया गया है कि वर्ड के डेफिनेशन क्या होती है, यानी शब्द होता क्या है, शब्द के प्रकार कितने होते हैं यानी टाइप्स ऑफ वर्ड दिया गया है, और सबसे बढ़िया चीज वर्ड फॉर्मेशन आपको दिया गया है कि एक शब्द का कितने प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके तय करते हैं क्या होता है वर्ड और कितने प्रकार का होता है। ये सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे हमारे पास है डेफिनेशन, मीन्स एक शब्द होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, वर्ड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी शब्द जो होता है वो लैंग्वेज का एक इकाई है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन राइटिंग एंड स्पीच, जिसे हम राइटिंग में यानी लेखन में एंड स्पीच और वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी शब्द जो है वो भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसे राइटिंग और स्पीच में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मींस उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, कोई भी एक ऐसा लेटर या लेटर्स का समूह हो जिसका एक पॉजिटिव अर्थ निकलता हो, वह एक वर्ड कहलाता है, मीन्स एक शब्द कहलाता है। इसके आगे हमारे पास दिया गया है कि टाइप्स ऑफ वर्ड, मीन्स एक शब्द के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो बनावट के आधार पे अगर हम देखें तो एक शब्द जो होता है वो चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? वह एक प्राइमरी वर्ड होता है, वह एक कंपाउंड वर्ड होता है, वह एक प्राइमरी डेरिवेटिव होता है, और वह एक सेकेंडरी डेरिवेटिव होता है। हर एक का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है कि प्राइमरी वर्ड क्या है, कंपाउंड वर्ड क्या है, एक प्राइमरी डेरिवेटिव क्या होता है और सेकेंडरी डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड में आपके जिस शब्द से अन्य शब्दों का हम निर्माण करते हैं, जैसे कोई मूल शब्द हमने ले लिया और उससे एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो प्राइमरी वर्ड नहीं होता है। वो मूल शब्द जो किसी अन्य शब्द से, रूट से, प्रीफिक्स से या सफिक्स से न जुड़ा हो, जिससे हम नए शब्द का निर्माण करें लेकिन जिसमें कोई अन्य शब्द न जोड़ा गया हो, वह एक प्राइमरी वर्ड होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया यहां पे, सन का एग्जांपल है, मून का एग्जांपल है, बॉय है, गर्ल है, किंग है, क्वीन है, मदर है, फादर है। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें न तो कोई प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है और न ही कोई सफिक्स जुड़ा हुआ है, ये मूल शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी अन्य शब्द का निर्माण किया जा सकता हो लेकिन जिनमें कोई शब्द यानी कोई रूट, कोई प्रीफिक्स, कोई सफिक्स न जुड़ा हुआ हो, वो आपका प्राइमरी वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंपाउंड वर्ड। जब भी हम दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर एक नए शब्द का हम निर्माण करते हैं, तो वो हमारा कंपाउंड वर्ड कहलाता है। कंपाउंड वर्ड समझते होंगे, कंपाउंड मीन्स संयुक्त, जुड़ा हुआ। ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जो मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्राइमरी वर्ड के द्वारा, वो एक कंपाउंड वर्ड कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ब्लैक बोर्ड यहां पे है, पुलिस स्टेशन है, फादर इन लॉ है, ये आपके कंपाउंड वर्ड्स। यहां इसके खासियत एक देखेंगे आप, ये जो ब्लैक बोर्ड है, जब आपने ब्लैक और बोर्ड को जोड़ा तो ब्लैक बोर्ड को आपने एक साथ रख दिया, उनके बीच में गैप नहीं किया। ऐसे कंपाउंडिंग को हम क्लोज कंपाउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज कंपाउंडिंग। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं हम, उनके बीच में कोई गैप नहीं रखते, ये क्लोज कंपाउंडिंग है।
अगला वर्ड देखेंगे आप पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन देखें यहां पे आप, जो पुलिस और स्टेशन है इन्हें हमने एक शब्द ही बनाया पुलिस स्टेशन, लेकिन इसको हमने किया क्या है, इनको हमने अलग अलग रखा है। पुलिस अलग है, स्टेशन अलग है। ऐसी कंपाउंडिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंपाउंडिंग को हम ओपन कंपाउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन कंपाउंडिंग। और तीसरी कंपाउंडिंग आप देख रहे होंगे, फादर है, इन है और ला है, लेकिन तीनों शब्दों के बीच में हमने हाइफन्स दिए हुए हैं। ऐसे शब्द जो हाइफन्स के द्वारा बनाए जाते हो उन्हें हम हाइफनेटेड कंपाउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफनेटेड कंपाउंडिंग। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि कंपाउंड के द्वारा, कंपाउंडिंग के द्वारा एक शब्द का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आप कहें कंपाउंडिंग के द्वारा हम तीन प्रकार से एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं, एक क्लोज कंपाउंडिंग के द्वारा, एक ओपन कंपाउंडिंग के द्वारा और एक हाइफनेटेड कंपाउंडिंग के द्वारा। क्लोज कंपाउंडिंग में दोनों शब्दों के बीच में गैप नहीं रहेगा, ओपन कंपाउंडिंग में दोनों शब्दों के बीच में गैप रहेगा और हाइफनेटेड कंपाउंडिंग में बीच में हाइफन लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है प्राइमरी डेरिवेटिव। प्राइमरी डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे आपने कोई मूल शब्द, कोई प्राइमरी वर्ड ले लिया, उस प्राइमरी वर्ड में आपने किसी वॉवेल का या किसी कॉन्सोनेंट का हेर फेर करके, उनमें अदला बदली करके एक नए शब्द का निर्माण कर दिया। आप अगर वर्ड को ध्यान से देखें, प्राइमरी डेरिवेटिव यानी प्राइमरी वर्ड से डिराइव करके एक नए शब्द का निर्माण जब हम करते हैं तो हम इसी को प्राइमरी डेरिवेटिव कहते हैं, यानी प्राइमरी शब्द से बना हुआ वर्ड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, बाइंड से देखिए हमने क्या बनाया, बॉन्ड बना दिया, आई को हमने ओ में कन्वर्ट कर दिया, एक नया शब्द हो गया हमारे पास। रिंग से हमने क्या बना दिया, रांग बना दिया, आई को हमने ओ में बदल दिया, रांग हो गया। और ब्रीच से हमने क्या बनाया, ब्रेक बना दिया, एक नया शब्द हो गया। यानी प्राइमरी वर्ड के द्वारा हमने वावल्स या कॉन्सोनेंट्स में परिवर्तन करके एक नए शब्द का निर्माण कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, एक ऐसा वर्ड जो हम प्राइमरी डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। देखिए आप कोई प्राइमरी वर्ड न जाने आपको कोई लॉस नहीं है, आप एक कंपाउंड वर्ड न जाने तो भी कोई लॉस नहीं है, इवन आप एक प्राइमरी डेरिवेटिव न जाने तो भी आपका कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी डेरिवेटिव जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं जानेंगे तो आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वर्ड वो होता है जिसको हम एक प्रीफिक्स या एक सफिक्स के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा? एक प्रीफिक्स के द्वारा या एक सफिक्स के द्वारा। यानी सेकेंडरी डेरिवेटिव को हम एक प्रीफिक्स या सफिक्स के द्वारा बनाते हैं, और जो भी बच्चे बेहतर बनना चाहते हो इंग्लिश में, वो बच्चे प्रीफिक्स और सफिक्स के इंपॉर्टेंस को जाने। आगे हम इस पे वीडियो देंगे आपको डिटेल्ड, तो उसके द्वारा भी आप प्रीफिक्स और सफिक्स को और बेहतर समझ सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप चाहते हैं तो सफिक्स पर एक वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसे आप और देखें, बेहतर समझें। नाउन सफिक्सेस क्या होते हैं, एडजेक्टिव सफिक्सेस क्या होते हैं, वर्ब सफिक्सेस क्या होते हैं, एडवर्ब सफिक्सेस क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑलरेडी इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं सेकेंडरी डेरिवेटिव क्या होता है। यानी कोई भी प्राइमरी वर्ड जिसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ा गया हो वह एक सेकेंडरी डेरिवेटिव होता है। जैसे यहां प्रीफिक्स इन हमने लिया और फिर एक प्राइमरी वर्ड करेक्ट में हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास एक वर्ड आ गया इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा? आपका सेकेंडरी डेरिवेटिव जिसमें प्रीफिक्स जोड़ा। फिर हमने प्राइमरी वर्ड कावड़ लिया और इसमें एक सफिक्स एलवाई जोड़ दिया, फिर कावड़ और एलवाई जोड़ करके एक नया शब्द हो गया कावड़ली, तो फिर ये आपका एक सेकेंडरी डेरिवेटिव हो गया। यानी अगर हम एक पूरा समराइज करें तो एक शब्द क्या है, कोई भी ऐसा लेटर या लेटर्स का समूह जिसका एक पॉजिटिव अर्थ निकलता हो वो एक शब्द होता है, वो एक लेटर भी हो सकता है और लेटर्स का एक ग्रुप भी हो सकता है। या दूसरी भाषा में, भाषा की एक ऐसी इकाई जो राइटिंग को या स्पीच को रिप्रेजेंट करती हो वह एक वर्ड कहलाते हैं। फिर कोई पूछे आपसे शब्द कितने प्रकार का होता है तो क्या बताएंगे आप बताएं शब्द चार प्रकार का हो सकता है। यानी अ वर्ड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर पार्ट्स, यानी चार पार्ट्स में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से?
पहला प्राइमरी वर्ड, दूसरा कंपाउंड वर्ड, तीसरा प्राइमरी डेरिवेटिव और चौथा सेकेंडरी डेरिवेटिव। मैंने कहा प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्राइमरी डेरिवेटिव आपको ना आए, आपको लॉस नहीं है, लेकिन आप सेकेंडरी डेरिवेटिव को जरूर समझिएगा, जो आगे मैंने डिटेल में भी आपको दिया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सामने आपको दिख रहा होगा वर्ड फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि क्या उनके टीचर्स ने उनको वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाया है, ज्यादातर बच्चों का जो जवाब होता है वो नेगेटिव होता है, मीन्स नकारात्मक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जो 9th to 12th जब वो अकेडमिक क्लासेस कर रहा होता है, तो टीचर्स अगर उस बच्चे को वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा दें, वर्ड फ्रेज क्लॉज सेंटेंस टेंस मॉडल्स में उस बच्चे के साथ मेहनत कर दें, तो उस बच्चे का भविष्य इंग्लिश की वजह से कभी खराब नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादातर टीचर्स देखेंगे हमें लिटरेचर ज्यादा पढ़ाते हैं, हमारा प्रोज पोएट्री वगैरह ज्यादा पढ़ाते हैं, पोएम्स वगैरह ज्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन हमें ग्रामर और वोकैब में मेहनत कम करते हैं, जबकि उन्हें इंटर बेसिक करना चाहिए ऐसा फिलहाल। तो मेरा एक प्रयास है यहाँ से कि हम आगे बढ़े, वर्ड फ्रेज क्लास वगैरह में धीरे धीरे बेहतर बने, अगर आगे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हमको बेहतर करना। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्द रचना, शब्द निर्माण। कोई पूछे आपसे कि शब्द कैसे बनता है, तो आप क्या बताएंगे, आप हिचकिचा जाएंगे, हेजिटेट हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये कभी नहीं जाना है कि एक शब्द का निर्माण हम कैसे करते हैं। बट आज आप ही जान सकते हैं कि एक शब्द का निर्माण कैसे करते हैं। एक शब्द का निर्माण बच्चों आप चाहे तो 6 तरीके से कर सकते हैं, बट मैंने यहां 5 तरीके आपको जो मेन है वो आपको दिए हैं। तो पहला तरीका है, एक शब्द को आप प्रीफिक्स के द्वारा बना सकते हैं, जैसा अभी आपने देखा पीछे। एक शब्द को आप सफिक्स के द्वारा बना सकते हैं, ये भी आपने देखा थोड़ा बहुत। एक शब्द को आप कंपाउंडिंग के द्वारा बना सकते हैं, ये भी आपने जाना। एक शब्द को आप मर्जिंग के द्वारा बना सकते हैं, जो आगे आपको मिलेगा। और एक शब्द को आप कटिंग या क्लिपिंग के द्वारा बना सकते हैं, जो आगे आपको मिलेगा। यानी एक शब्द हम 5 प्रकार से मुख्यतः बना सकते हैं, एक प्रीफिक्स के द्वारा, एक सफिक्स के द्वारा, एक कंपाउंडिंग के द्वारा, एक मर्जिंग के द्वारा और एक कटिंग या क्लिपिंग के द्वारा। जो बच्चे अभी प्रीफिक्स न समझते हो वो इतना तो समझ लें कि एक प्राइमरी वर्ड के पहले आप जो एक शब्द जोड़ते हैं या अंश जोड़ते हैं वो आपका प्रीफिक्स कहलाता है। सफिक्स क्या होता है, जो किसी मूल शब्द के बाद में आप अंत में जोड़ते हैं वो आपका सफिक्स कहलाता है। जब मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के पूरे वीडियोज डालूंगा, मैं उसमें बताऊंगा कि ये प्रीफिक्सेस आपको केवल 2 काम करते हैं। कौन कौन से 2 काम, ये या तो एक वर्ब बना सकते हैं या एक शब्द का एंटोनिम बना सकते हैं। ऐसे ही आप जानेंगे कि सफिक्सेस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस होते हैं और एक डेरिवेशनल सफिक्सेस होते हैं, जो आगे की वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो हमने यहां जाना है वर्ड फॉर्मेशन जो है वो 5 प्रकार से करते हैं, हर एक को डिस्क्रिप्टिव वे मैंने दिया हुआ है। चलिए देखते हैं एक एक करके। चलिए पहला मैंने आपको दिया है कि एक जो वर्ड होता है वो हम एक प्रीफिक्स के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ये देखिए सारी प्रीफिक्सेस हैं, ये आपका प्राइमरी वर्ड है और इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को जोड़कर मैंने आपको ये सारी नए वर्ड्स बनाए, ठीक है। आप इन सारी वर्ड्स को देखिएगा और ये तय करिएगा कि इनमें ये सारे हैं, ये सब प्रीफिक्सेस का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे प्रीफिक्सेस आप देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे कोई ऐसा प्रीफिक्स होगा जो वर्ब बना रहा होगा, कोई ऐसा प्रीफिक्स होगा जो आपको एंटोनिम बना रहा होगा। चलिए 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपने इन लिया, ठीक है, और फिर यहां करेक्ट लिया, नया शब्द हो गया इनकरेक्ट, आप समझ रहे होंगे ये करेक्ट का एंटोनिम हो गया। फिर आपने अन लिया, आपने ट्रू में जोड़ा, एक नया शब्द अनट्रू हो गया, ये भी आपका एंटोनिम है। फिर आपने डिश लिया, फिर ट्रस्ट लिया, फिर हो गया डिस्ट्रस्ट, ये भी एंटोनिम है। लेकिन जब आपने बी लिया और हेड लिया और एक नया शब्द आपने बनाया बी हेड, अभी एंटोनिम नहीं है। आप जानते होंगे बी हेड मीन्स सर कलम कर देना होता है, ये एक वर्ब हो जाएगा। यानी प्रीफिक्सेस जब भी करेंगे केवल 2 काम करेंगे, या तो वो एंटोनिम से बनाएंगे या फिर वर्ब का निर्माण करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है कि हमें सफिक्स के द्वारा भी वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से अगर देखिए यहां पे तो आप पाएंगे कि एक प्राइमरी वर्ड है, ये सफिक्सेस हैं आपके और एक नए शब्द का निर्माण किया गया। कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्री हमने लिया, इसमें हमने मेंट जोड़ दिया और एक नया शब्द हो गया हमारे पास एग्रीमेंट,
ये क्या है, ये meant आपका suffix है। मैंने इसे इस तरह से बनाया है, देखिए ये जो चारों हैं ना आपके वर्ड्स, इनमें जो मैंने ये चार सफिक्सेस जोड़े हैं, ये चारों सफिक्सेस नाउन का निर्माण करते हैं। ये जो चार मैंने वर्ड्स लिए हैं, इनमें जो चार मैंने सफिक्सेस जोड़े हैं, ये चारों सफिक्सेस एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। ये जो चार मैंने वर्ड्स लिए हैं, इनमें जो चार आप वर्ड्स जोड़ रहे हैं सफिक्सेस, ये चारों वर्ब का निर्माण करते हैं। और ये जो मैंने दो शब्द लिए हैं और इनमें दो सफिक्सेस मैंने जोड़े हैं, ये दोनों एक एडवर्ब का निर्माण करते हैं। यानी एक सफिक्स चार प्रकार का होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, एक वर्ब सफिक्स होता है और एक एडवर्ब सफिक्स होता है। तो मैंने ऑलरेडी कहा कि वीडियोज इस पर डाली गई हैं, आप उनको देखें ध्यान से और यहां भी जाने एक सफिक्स जो होता है चार प्रकार का होता है, जिस तरह से वो निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, एक कंपाउंडिंग के द्वारा वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आप देख रहे होंगे यहां पे कि ये प्राइमरी वर्ड है मदर, ठीक है, फिर इन ला हमने जोड़ा और एक नया शब्द हो गया मदर इन ला। ये मदर इन ला यहां जोड़ लीजिएगा, मदर के साथ ला मत जोड़ दीजिएगा, मदर इन ला। एक्चुअली कानून तो सासू जी का चलता है ना लोगों के यहां, तो फिर मदर इन ला हो जाएगा। फिर मैंने वर्ड लिया ग्रीन, फिर इसमें हाउस जोड़ दिया, एक नया शब्द हो गया ग्रीन हाउस। फिर मैंने लिया व्हाइट, फिर हाउस जोड़ा, नया शब्द हो गया व्हाइट हाउस। जानते हो अमेरिका के राष्ट्रपति जहां रहते हैं वो व्हाइट हाउस कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर देखें आप, ये जो मदर इन ला है आपका, ठीक है, ये मदर इन ला में बीच में हाइफन्स हैं, ये हाइफनेटेड कंपाउंडिंग हो गई। ये जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन और हाउस के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, यानी ये क्लोज कंपाउंडिंग हो गई। और ये व्हाइट और हाउस के बीच में गैपिंग है, ये ओपन कंपाउंडिंग हो गई। यानी हमने प्रीफिक्स के द्वारा एक वर्ड बनाया, हमने सफिक्स के द्वारा एक वर्ड बनाया और अब हमने एक कंपाउंडिंग के द्वारा वर्ड बनाया। फिर से मैं रिमाइंड करा दूंगा आपको कि कंपाउंडिंग तीन प्रकार की होती है, ओपन कंपाउंडिंग जिनमें दोनों शब्दों के बीच गैप रहेगा, क्लोज कंपाउंडिंग जिनमें दोनों शब्दों के बीच कोई गैप नहीं रहेगा, और हाइफनेटेड कंपाउंडिंग जिनमें हाइफन्स लगेंगे। चलिए चौथा सेगमेंट हमारा है, मर्जिंग के द्वारा वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आपको पता है जब कोई आपसे बोलता है कि योर डिसीजन इज फैंटेबुलस, तो आप फैंटेबुलस समझ नहीं पाते, लेकिन आज आप बहुत सारी वर्ड जानेंगे जो आपने सुना पर ध्यान नहीं दिया। देखिए ध्यान से, मर्ज करके कैसे शब्द बनाए जाते हैं। वर्ड हमारा है फैंटेस्टिक और वर्ड दूसरा है फैबुलस, लेकिन दोनों को मर्ज करके हमने एक नया शब्द बना दिया फैंटेबुलस, ठीक है, शानदार, अति उत्तम। वर्ड हमारा है सिंपल और वर्ड है एटीट्यूड, और एक नया वर्ड हो गया सिंपलीट्यूड, सिंपलीट्यूड, ठीक है। वर्ड हमारा है ब्रेकफास्ट और वर्ड है लंच, और नया वर्ड हो गया ब्रंच। जब आप सुबह नाश्ता न करते हो और दोपहर में सीधे लंच लेते हो तो उसमें ब्रेकफास्ट भी तो शामिल हो जाएगा ना, तो फिर नया शब्द हो जाएगा ब्रंच। नेक्स्ट वर्ड है इंटरनेशनल, वर्ड है दूसरा नेटवर्क, और दोनों को जोड़ करके आपने बना दिया इंटरनेट। आपने ज्यादातर बच्चे शायद जानते न रहे हो कि इंटरनेट कोई वर्ड नहीं है, मूल वर्ड नहीं है, इंटरनेशनल और नेटवर्किंग को जोड़कर एक नया शब्द इंटरनेट बनाया गया, जो आज विश्व में सबसे प्रचलित शब्दों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल फिर पोलिश से एक नया शब्द बनाया गया इंटरपोल। आप जानते होंगे इंटरनेशनल पोलिश को हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मसले पर कार्य करती है। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी और फिर है एटीट्यूड, मल्टीट्यूड आपने बहुत बार सुना होगा पर सोचा नहीं होगा, तो मल्टी एटीट्यूड जहां होते हैं वो मिलकर के मल्टीट्यूड हो जाता है। और ये देखिए दोनों मैंने अभी जल्दी बनाए, आप समझ रहे होंगे, ये मैंने आपको ये बताने के लिए किया कि हिंदी में भी तो हम ऐसा करते हैं ना। देखें दीपिका प्लस रणवीर को मिला करके एक नया वर्ड बन गया अभी हाल ही में, दीपवीर। आप जानते हैं विराट और अनुष्का को मिला करके एक नया वर्ड बन गया विरुष्का, यही तो मर्जिंग है, जहां मर्ज कर दिया आपने। चलिए लास्ट सेगमेंट है आपका, कटिंग और क्लिपिंग के द्वारा वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं, पूरा वर्ड क्या है आपका सेलफोन, लेकिन आपने कटिंग किया फोन का और आप क्या कहते हैं, कहते हैं मेरा सेल कहां है, जबकि सेल वर्ड नहीं होता है, सेलफोन होता है, लेकिन हम काट करके उसको सेल कहते हैं। मैथमेटिक्स को काट करके हम क्या कहते हैं, मैथ्स कहते हैं, ठीक है। पेंटालून्स को ही लून्स हटा के क्या कहते हैं,
पैंट्स कहते हैं, ध्यान है आपको? देहात में हम पतलून कहते हैं ना, तो उसी पेंटालून्स का बिगड़ा हुआ रूप पतलून है, लेकिन पेंटालून्स को भी हम शॉर्ट में पैंट्स कहते हैं, ठीक है? यानी पैंट्स वर्ड नहीं है, पेंटालून्स है, लेकिन हम पैंट्स कहते हैं। स्पेक्टेकल्स को बहुत सारे लोग जानते होंगे, टैकल्स हटा करके स्पेक्स कहते हैं, जो चश्मा मैंने पहना हुआ है वो स्पेक्स था आपका। और ये भी देखिए, दोनों मैंने बनाए कटिंग और क्लिपिंग का एकदम करंट एग्जाम्पल। ऐश्वर्या को आप जानते होंगे, वर्या हटा करके केवल क्या कहते हैं, ऐश। और सुष्मिता सेन का नाम आपको याद हो तो मिता हटा कर क्या कहते हैं, शुश। ये मर्जिंग का, सॉरी, कटिंग या क्लिपिंग का एग्जाम्पल है। चलिए बच्चों, अब मैं फिर से एक साथ समराइज कर दे रहा हूं। देखिए, कोई पूछे आपसे शब्द क्या होता है, आप कहीं कोई भी अक्षर या अक्षरों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, पॉजिटिव अर्थ निकलता हो, वो हमेशा एक शब्द कहलाता है। कोई पूछे आपसे कि शब्द कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या कहेंगे, शब्द मुख्यतः चार प्रकार का होता है। एक प्राइमरी वर्ड होता है, एक कंपाउंड वर्ड होता है, एक प्राइमरी डेरिवेटिव होता है, और एक सेकेंडरी डेरिवेटिव होता है। कोई पूछे प्राइमरी वर्ड क्या होता है, कहिए वो शब्द, वो मूल शब्द जिससे हम किसी नए शब्द का निर्माण कर सकते हो, लेकिन जो किसी अन्य शब्द से न बना हो वह प्राइमरी वर्ड होता है, ठीक है। कोई पूछे कंपाउंड वर्ड क्या होता है, तो आप कहें कंपाउंड वर्ड वो होता है जहां पे दो या दो से अधिक मूल शब्दों को मिलाकर हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो आपका कंपाउंड वर्ड होता है। कोई पूछे प्राइमरी डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहें जब हम एक प्राइमरी वर्ड के अंदर वावल या कंसोनेंट का फेर करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो फिर वो हमारा प्राइमरी डेरिवेटिव होता है। और कोई पूछे सेकेंडरी डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहें सेकेंडरी डेरिवेटिव वो होता है जिसमें हम किसी प्रीफिक्स या सफिक्स के द्वारा नए शब्द का निर्माण करते हैं। मैं फिर याद दिला दूं, प्रीफिक्स और सफिक्स पे जल्दी ही आपको वर्ड्स, आपको वीडियोस मिलेंगे। सफिक्स पे आप देखना चाहें तो ऑलरेडी पढ़ी हुई आप देख सकते हैं। कोई पूछे एक शब्द का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं, मीन्स वर्ड फॉर्मेशन करने का तरीका क्या है, तो आप कहिए वर्ड फॉर्मेशन हम पांच प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रीफिक्स के द्वारा, एक सफिक्स के द्वारा, एक कंपाउंडिंग के द्वारा, एक मर्जिंग के द्वारा, और एक कटिंग या क्लिपिंग के द्वारा। बट आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वहां एक छठवां तरीका भी आपको मिलेगा, वो होगा किसी चीज को डुप्लीकेट करके। जैसे हम अक्सर कहते हैं बोगी वोगी, कहते हैं ना विली निली ऐसे, तो इस तरह का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं नहीं डाला, लेकिन पांच तरीके तो आप याद ही कर लीजिएगा कि हम प्रीफिक्स के द्वारा, सफिक्स के द्वारा, कंपाउंडिंग के द्वारा, मर्जिंग के द्वारा और कटिंग या क्लिपिंग के द्वारा हम एक वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। चलिए फिर एक छोटा प्रयास है, बहुत सारे वीडियोज मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उन्हें देखते रहें। टेंस पर वीडियोज हैं, कंडीशनल पर हैं, इन्वर्जन पर हैं, और भी बहुत सारी हैं, कैसे हम इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करें इस पर है आपकी। रेगुलरली एमबी की 12 सेट्स मैंने डाल दिए हैं, वो देखते रहिए आप। एडिटोरियल आज 7 सेट आपको मिल जाएगा, 6 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 7वां मिल जाएगा आपको, मिल गया होगा शायद अब आपको। तो ये सारी वीडियोज आप देखते रहें और एनकरेज करते रहें, अपने जो भी आपके कमेंट्स हो, सोच हो, आप सोचते हो कि ये इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल बताएं, बिना हिचक के बताएं। जहां भी जरूरत होगी हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप ही के लिए वीडियो चैनल है आपका, सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चे जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी बेसिक्स वगैरह प्रॉब्लम हो, जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, मेरी कोशिश है कि मैं उसे सिंप्लीफाई करके रख दूं कि आप एक दिन कह सकें कि इंग्लिश इज ईजी, कि इंग्लिश बहुत आसान है। चलिए, गुड बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों को बताते रहिएगा इस चैनल के बारे में, ताकि हमारा इंकरेजमेंट होता रहे। थैंक यू वेरी मच।